संसद रे बजट सत्र रो दूजो चरण काल सू वेलो शुरू। 8 अप्रैल तक चलन वाला सत्र रे दौरान वेली 19 बैठकां। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भिया कई अहम फैसला। रीट परीक्षा की वैधता आजीवन करण और भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में संशोधन नीति की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जयपुर साहित्य उत्सव में लियो हिस्सो। अपना संवाद में कया देश में परिवारवाद री राजनीति अपना आखिरी दौर में। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में अल्बर्ट हॉल सू जयपुर मैराथन रा ड्रीम रन ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। राज्यपाल स्वस्थ तन सू स्वस्थ मन रो करिया आह्वान। बेंगलुरु क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत री पहली पारी रा 252 रन रा जवाब में श्रीलंका री टीम 109 रन बनार आउट। नमस्कार, राजस्थानी सब खबरों में आपरो स्वागत है। अरब समाचार विगतवार। संसद रे बजट सत्र रो दूजो चरण काल सू शुरू वेलो। ओ 8 अप्रैल तई चले लो। इन दौरान 19 बैठक वेली। लोकसभा और राज्यसभा में बैठक सुबह 11 बजे सू सिं 6 बजे तई चले ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू हो जाएगा और ये 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। ये फैसला देश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए लिया गया है। पहले चरण के दौरान कोविड महामारी की तीसरी लहर के कारण दोनों सदनों ने पारियों में काम किया था। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है। इस अवधि में संसदीय स्थायी समितियों से संबंध विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू सोमवार को सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई अहम विधेयकों के पेश होने की उम्मीद है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ था। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुईं। पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अलावा केंद्रीय बजट 2022-23 पर भी चर्चा हुई। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्य उत्पादकता 101% से अधिक रही, जबकि लोकसभा में 121% उत्पादकता दर्ज की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काल जयपुर में भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम री धारा 90A में संशोधन, रीट परीक्षा री वैधता आजीवन राखण और प्राथमिक ने उच्च प्राथमिक विद्यालय रा शिक्षकों री भर्ती प्रतियोगी परीक्षा रे जरिए कराया जावन रो फैसलो लियो। साथ ही 8 शहर री पेयजल योजनावां ने नगरीय निकाय सू फेरू जलदाय विभाग ने सौंपण समेत कई महत्वजोगी फैसला करी छिया। जयपुर साहित्य उत्सव रा चौथा दिन आज कई दिलचस्प विषया माथे सत्र राखी जिया। एक सत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी पहली किताब लाल सलाम बाबत चर्चा करी। उनरी या किताब बरस 2010 में छत्तीसगढ़ रा दंतेवाड़ा में नक्सली हमला में शहीद भिया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा 76 जवाना माथे लिखोड़ी है। वे कया के देश में परिवारवाद री राजनीति अपना आखिरी दौर में है। उत्तर प्रदेश रा ताजा चुनावा रो जिक्र करता थका केंद्रीय मंत्री कया के अमेठी में कांग्रेस पार्टी रा उम्मीदवारा री जमानत जब्त होनो इनी बात रो प्रमाण है। लुगाया सु जुड़िया एक सवाल रा जवाब में केंद्रीय मंत्री कया के कोविड रा दौरान मार्च 2020 में देश में पीपीई सूट बनावन वाली एक भी कंपनी नहीं थी। Our country till the month of March did not produce a single PPE suit.
We did not have any raw material. We did not have any machines. There was a global lockdown. And in those lockdown moments, we had from zero to 1,100 companies established in India in just 3 months. And we became the second largest exporters in the world. And we did so by realigning our manufacturing strength. And that was done. 80% of that workforce was female. And all of them were indigenous patriots. अब साल 2014 में मैं अमेठी से चुनाव हारी थी आयुष, तो तुमने जो कहा वो सच है, कभी ना कभी आप फेल करोगे, लेकिन सक्सेस किस लिए चाहिए आपको? Why do you want to succeed? If you need to have, that is the conversation you need to have with yourself. I was fighting a legacy that was bleeding my country dry. I was not fighting for myself. And I was adamant कि मैं तब तक लड़ूंगी जब तक जीतूंगी नहीं. और अभी जो चुनाव गया उसमें उनकी जमानत जब्त हो गई अमेठी में. Not only to American racism to जयपुर साहित्य उत्सव में हिस्सो लेवाने आया ट्रेवलॉग लेखिका और पत्रकार अलका कौशिक दूरदर्शन से बातचीत में कया कि यात्रा डायरी लोगों ने भावे है. ट्रेवलॉग जर्नलिस्ट और ट्रेवलॉग राइटर अलका कौशिक जी, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह ट्रेवलॉग राइटिंग करना कितना मुश्किल है, किस तरह के अनुभव उनके ट्रेवलॉग राइटिंग को लेकर रहे हैं. अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. किस तरह के अनुभव आपको ट्रेवलॉग राइटर के हैं? नमस्कार बहुत बहुत सभी दर्शकों का. और ट्रैवल राइटिंग से जुड़े जो आपने चुनौतियां जाननी चाही, चुनौतियां तो मैं कहूँगी कि कोई खास नहीं होती, बस इतनी होती है कि आपको जीना होता है, आपको लोकल संदर्भों में जीना होता है. और उसके लिए बहुत सारी इफरात फुर्सतें होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म होना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि भागते दौड़ते बस कुछ टिक मार्क हमने करने हैं और हमने कोई बकेट लिस्ट बना ली, आज यहाँ भागना है, आज वहाँ भागना है. ऐसा करके चलेंगे तो वो रिपोर्टिंग होती है. एक जर्नलिस्ट का काम ट्रेवल राइटर से अलहदा होता है, और वो अलहदा बस इसी अंदाज में होता है, इसी मायने में होता है कि आप डूब जाइए, जब डूबेंगे तभी उतरेंगे. आप अपनी जो ट्रेवल ब्लॉग लिखती है उससे किस तरह के अनुभव आप लोगों के साथ साझा करती है, क्या वो लोग आपकी यात्राओं से सीखते हैं, जान सकते हैं? एक ट्रैवल राइटर की ड्यूटी होती है वहाँ जाइए और अनुभव कीजिए, उस जगह को जिए, जमकर जी लीजिए और फिर दर्शकों को बताइए, ताकि दर्शक जब आपके शब्दों को पढ़ें तो एक तो उनके सामने एक विजुअल पिक्चर क्रिएट हो और उनको ये लगे कि उंगली थाम कर आप उनको अपने साथ लेकर गए हैं. तो गूगल करके हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, जाइए लोकल लोगों से मिलिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, तो वो जो मंजिल खुलती है ना बड़े नए अंदाज में खुलती है, आपको एक नई तस्वीर मिलती है वहाँ से. जी बहुत ठीक फरमाया अलका कौशिक हमारे साथी जी, कह रही थी कि यदि कहीं आपको जाना है, घूमना है, तो वहाँ का जो लोकल जो स्थानीय आनंद है उसको महसूस करने की आवश्यकता है, तभी उस यात्रा का एक आनंद होता है. मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश रा चौमुखी विकास और गांव गरीब रा कल्याण सारों पूरी प्रतिबद्धता रे साथ है काम कर रहा है. पाछला 3 वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी समेत कई क्षेत्र में विकास रा मोकड़ा काम किया है. मुख्यमंत्री गहलोत बजट घोषणा में सारों आभार जतावण ने जयपुर आया हिंडोली विधानसभा और दूजा हल्का रा लोगा ने संबोधित करया. वे कया के ई बरस रा प्रदेश बजट में हर वर्ग ने राहत देवण रो ऐलान करी जो है. राज्यपाल कलराज मिश्र आज सुबह रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल से जयपुर मैराथन रा ड्रीम रन ने हरी झंडी दिखा रवाना करया. कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम री महापौर सौम्या गुर्जर, संस्कृति युवा संस्थान रा अध्यक्ष सुरेश मिश्रा समेत कई प्रशासनिक अफसर शामिल हुआ. इन मौके राज्यपाल फिट इंडिया अभियान रे तहत स्वस्थ तन सु स्वस्थ मन रो आह्वान करिया. सीमा सुरक्षा बल री महिला मोटरसाइकिल राइडर सीमा भवानी शौर्य अभियान सवारी 2022 दिल्ली से कन्याकुमारी री यात्रा माथे है. जयपुर में अमर जवान ज्योति माथे इन दल रो अभिनंदन करीजियो.
कार्यक्रम में पद्मश्री कृष्णा पूनिया, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, आरटीडीसी का अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर, एडीजी राजस्थान पुलिस विनीता राठौर, आरबीएसएफ रा डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर, महिला राइडर्स रो अभिनंदन कर कार्यक्रम की शुरुआत करी। सर पुष्पेंद्र सिंह राठौर सर और हमारे डीजी साहब सबके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम है और हमें ये मौका मिला कि हम बाकी लड़कियों को मोटिवेट कर सकें। तो हम जयपुर से गुजरते हुए यही उम्मीद करेंगे जयपुर वासियों से कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से ये लड़कियां अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, उसी तरीके से आपकी लड़कियां भी आपके देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। और ये यात्रा जो है इसको शौर्य एक्सपीडिशन के नाम से जाना जाता है। हमारी जो महिला शक्ति है, सेवा भवानी बीएसएफ की जो टीम है, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 तारीख से ये राइड उन्होंने शुरू की है। और मैं समझता हूँ कि ये राइड इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है जो हमारी बहनों ने उसको आसान बना दिया है और एक पूरे देश के अंदर एक मैसेज देने के लिए ये बहनें निकली हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीएसएफ की तरफ से आज सीमा भवानी जो राइडर्स टीम थी उनकी तरफ से दिल्ली से कन्याकुमारी तक का 4,884 किलोमीटर का जो दूरी तय करने का 23 दिन में लक्ष्य रखा गया। आज वो टीम हमारे साथ जयपुर में उपस्थित थी। आज हमने यहाँ से विधानसभा के सामने से उन्हें फ्लैग ऑफ करके कन्याकुमारी के लिए रवाना किया कि बीएसएफ की जो सीमा वाहिनी जो यहाँ यात्रा कितनी लंबी है, 5,000 किलोमीटर की जो यात्रा है इनकी, और उसमें जो इनकी वीमेंस विंग है वो इतनी बड़ी मोटरसाइकिल यात्रा कर रही है, वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। और ये इनिशिएटिव जो डीआई साहब पुष्पेंद्र सिंह ने लिया है ये बहुत तारीफ़ काबिल है। मैं बतौर आरटीडीसी चेयरमैन मैं आपका पूरे रास्ते में राजस्थान में जहाँ जहाँ भी हमारी यूनिट्स है उसके लिए भी मैंने कहा है कि जहाँ हमको रुकने की, खाने की, पीने की, जहाँ फैसिलिटी देने की मैंने आप बात भी कही है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स में जो बीएसएफ है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बॉर्डर पे रहना, बॉर्डर पे गर्मी सर्दी बरसात में क्या हालात है वहाँ पे, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि बीएसएफ ने ये शुरुआत की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारी जो बॉर्डर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तकरीबन 6,500 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर गार्ड करती है। इस 1965 में जब रेज हुई थी उसके बाद से आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 2,50,000 से बड़ी फोर्स हो गई है। इसके अंदर वीमेन एम्पावरमेंट, महिला का भी अभी एनरोलमेंट हो गया है और गर्ल्स जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। बॉर्डर पे जो आप देख रहे हैं बॉर्डर फेंसिंग के और बॉर्डर पे जो ड्यूटीज़ है वो लड़कियां भी रात को करती है, गार्ड करती है, दिन में गार्ड करती है, गोलियां चलाती है। कई ऐसे इनकाउंटर्स भी हुए हैं जहाँ पर हमारी लड़कियों ने खूंखार आतंकवादियों को बॉर्डर पर इंसर्जेंट्स को गोली से मारा भी है। तो लड़कियाँ जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में और बॉर्डर को गार्ड करने में। राज्य मंत्री परिषद री बैठक में नर्सेज रा पदनाम परिवर्तन रा फैसला रो राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन स्वागत करियो है। एसोसिएशन रा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत और महामंत्री सुनील शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रो आभार जतायो है। वे कया के सरकार रा इन फैसला सो राज्य भर रा नर्सिंग कर्मचारी खुश है। बैठक में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 के अनुसूची एक ग्रुप ए में संशोधन करते हुए नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर देने से राजस्थान के तमाम नर्सेज में 70,000 नर्सेज में एक खुशी की लहर व्याप्त है। चारों तरफ मिठाई बांटी जा रही है, जोश और उत्साह नर्सेज में फैला हुआ है। निश्चित तौर से ये बहुत लंबे समय से हमारी मांग चली आ रही थी, कैबिनेट में पास करके मूर्त रूप दिया गया। राज्य कैबिनेट की बैठक में नर्सेज पदनाम परिवर्तन संशोधन पर मोहर लगी। निश्चित रूप से राजस्थान के नर्सेज समुदाय में खुशी की लहर है। मैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से एवं राजस्थान की 70,000 नर्सेज समुदाय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब एवं लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। खबरारो सिलसिलो जारी रहेलो, पहली छोटो सो विराम। पेमेंट फेल लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई, हो जाएगी भरपाई। चिंता मत कर मेरे भाई,
अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारमां एकर फेरू आपरो स्वागत है। जयपुरमां अखिल भारतीय जैन रत्न श्रावक संघ कानिसु मद्रास उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश मनीश्वर नाथ भंडारी रो अभिनंदन करीजियो। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति GS सिंघवी और न्यायाधीश प्रकाश टाटिया रो भी सुबोध शिक्षा समिति कानिसु मान करीजियो। मैं अपना मान इस ढंग से लेता हूँ कि उन्होंने जो डिवोशन इस समिति के लिए हर व्यक्ति का होना चाहिए और शायद मेरा भी रहा, उस चीज़ को लेते हुए इस कार्यक्रम को रचा। और मैं आभारी हूँ न केवल शिक्षा समिति का परंतु सभी व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हुए जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सुबोध शिक्षा समिति आगे बढ़ेगी, अच्छे छात्रों का निर्माण करेगी जो न केवल राज्य वरन देश के भविष्य को रच सके, आगे बढ़ा सकते हैं। जयपुर में ट्रांसजेंडर लोगारा अधिकारारा संरक्षण अधिनियम 2019 री जानकारी देवन बाबत NGO नई भोर और पुलिस विभाग कानिसो मिलर एक कार्यशाला राखी जी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव बताया कि कार्यशाला में ट्रांसजेंडर समुदाय रा कोई 50 लोग हिस्सो लियो। इन मौके केंद्र सरकार कानिसो बनाई जिया अधिनियम री जानकारी साझा करेगी। जयपुर में युवा चित्रकार जयपुर शहर री विरासत और धरोहरा रे संरक्षण कानी लोगा ने अपने चित्रकारी रे जरिए जानकारी देवन री कोशिश कर रिया है। आज गोविंददेव जी मींदर परिसर में के युवा चित्रकार अपनी कलाकृतियां दर्शाई। हम हर संडे एक पर्टिकुलर लोकेशन जो कि जयपुर की हेरिटेज इम्पोर्टेंस की लोकेशन है हम डिसाइड करते हैं, और हम सारे स्केचर्स जो कि आर्टिस्ट डिज़ाइनर्स और स्केचिंग एंथुजियास्ट है वो मिलके स्केचिंग करते हैं लाइव लोकेशन पे। तो इस हफ्ते इस संडे हम गोविंद देव जी पे स्केच कर रहे हैं एंड या एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लाइक अ लॉट ऑफ स्केचर्स जॉइंड अस टुडे। ऐसे लो फील करा जाता है लेकिन हम ऐसे कि पेंटिंग लोगों को अलग से ही एक प्रेरणा दी जाती है, प्रेरणा का सोर्स है एक पेंटिंग, पेशेंस सीखते हैं लोग पेंटिंग के थ्रू। सिर्फ एक इस मीटअप की वजह से हम अपनी रुचियां भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, साथ साथ में उस जयपुर के बारे में भी जानने को हमको बहुत कुछ मिल रहा है। होली रो त्यौहार नेड़े आते ही प्रदेश भर में फागोत्सव री धूम मची उड़ी है। जयपुर आराध्य गोविंददेव जी रा मींदर में आजकल फागोत्सव मनायो जा रही है। अठे कई कलाकार गायन और वादन री सुंदर प्रस्तुतियां सो श्रद्धालुओं ने भाव विभोर कर लिया है। होली रा त्यौहार रे मौके गुलाल गोटा री मांग बढ़ जावे है। लाख सु बनाया जावन वाला गोटा माए गुलाल भरी जावे है। होली रा दंड गोटा गुलाल फेंक कर रंग खेलिया जावे। जयपुर में कई पीढ़ियां सु गोटा गुलाल बनाया जा रिया है। कारीगरों रो कहनो है कि अठे सु देश रा कई हिस्सा माए गोटा गुलाल भेजो जावे है। होता है लाख का बनता है, लाख पीपल के पेड़ में से आता है और इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं और इस फुकनी की सहायता से इसको फुलाया जाता है। तो ये पताशी होती है गोलगप्पे, इतना 10 ग्राम वेट होता है और इसके अंदर हम सूखा गुलाल भर के इसको स्टिकर से पैक करके, पैक करने के बाद
इसको ऐसे पकड़ के आप किसी के ऊपर भी थ्रो करेंगे तो ये थ्रो होते ही फूटेगा और इसके अंदर से गुलाल निकलेगा और इसके अंदर इतना मज़ा आता है खेलने से, मतलब पानी की बचत है और इसके अंदर ओरिजिनल आरारोट का जो नेचुरल गुलाल होता है वो भरते हैं बिल्कुल 100%। ये काफ़ी जगह जाता है, राजा महाराजों के टाइम से चलता हुआ आ रहा है ये, बहुत हमारी सातवीं पीढ़ी है इसको बनाते बनाते, सातवीं पीढ़ी है ये। गज सिंह जी के भी जाता है, जोधपुर सिटी पैलेस भी जाता है और जब से जयपुर बसा है जब से इसका चलन है, मतलब इसका इतिहास इतना पुराना है। पहले राजा है ना हाथी पर बैठ जाया करते थे और इसको प्रजा के ऊपर फेंका करते थे और ये जिसके ऊपर भी ये गोटा पड़ता था तो वो बहुत खुश होता था हम ये राजा से होली खेल कर आएँ। इतना पुराना इतिहास है इसका। और हम देख हमारे परदादा बनाते थे, दादा बनाते थे, हमारे पापा बनाते हैं और हम बना रहे हैं, बहुत पुराना इतिहास है। ये गुलाल गोटा है, हम लोग हर साल होली खेलते हैं, ये हम लोग हर साल खरीदते हैं। इससे क्या है, इसको फेंकते हैं तो होली खेलते हैं, गीला भी नहीं होता और ये एकदम शुद्ध रहता है। ये होली का त्यौहार आने वाला है, गुलाल घोटा है। इससे पहले राजा महाराजा होली खेला करते थे, उससे क्या है कि कोई नुकसान नहीं होता, कपड़े गीले नहीं होते, पानी की बचत होती है और बड़ी शानदार होली खेली जाती है। इससे एकदम गुलाल कलर आता है। सीकर शहर राधाकिशनपुरा में साईं बाबा मींदर में फागोत्सव खेलो गयो। कार्यक्रम में शेखावाटीरा जानिया मानिया चंग ढप मत है होली राधामाल रे साथ है कलाकार लुभावनी प्रस्तुतियां दी। आयोजक पार्षद मोहर सिंह गौड़ बताया कि कलाकार चांद चढ़ियो गिगनार और लालर यादे मारा छेल भवर जैसे अफाक गीत पेश कर भक्तारो मन मोह लियो। हमारे गांव में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और वो जितना भी आए हैं सब हमारे भाई बहन है और धीरे धीरे जो होली का प्रोग्राम है वो सभी मतलब होता जा रहा है, तो उसको सभी मेरे भाई और सभी से निवेदन है कि उसको अच्छा रखिए और जोड़ी बनाई रखिए ऐसे ही। और हम बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब इस प्रोग्राम के लिए। फागोत्सव महोत्सव मनाया, सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं के रूप में यहाँ लोगों ने इस फागोत्सव प्रोग्राम का आनंद लिया। शेखावाटी में चंग अर ढपरी ताल माथे फागोत्सव मनायो जा रियो है। इन लोक वाद्य यंत्र रे बिगर शेखावाटरी होली अधूरी मानी जावे है। चूरू में एक परिवार 100 बरस सु भी बत्ता समय सु ढप बना रिया है। पेश है एक रपट। शेखावाटी की लोक कला में रंग भरने वाले लोक वाद्य यंत्र चंग और ढप के बिना शेखावाटी की होली अधूरी मानी जाती है। ढप, चंग और नंगाड़ा फागोत्सव में अपना विशेष महत्व रखते हैं। फाग महीने की शुरुआत से ही जहां रसीय और सामाजिक संस्थाएं फागोत्सव के आयोजन में सक्रिय हो जाते हैं, वहीं इन वाद्य यंत्रों को बनाने वाले परिवार भी होली से एक महीने पहले से ही इन वाद्य यंत्रों के निर्माण में जुट जाते हैं। चुरू में एक परिवार ऐसा भी है जो लोक वाद्य यंत्र के निर्माण की परंपरा का निर्वहन 100 सालों से भी अधिक समय से कर रहा है। इनके द्वारा बनाए गए ये वाद्य यंत्र देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी खरीदे जाते हैं। इन परिवारों का गुजारा इन वाद्य यंत्रों के निर्माण और बिक्री पर ही निर्भर करता है। जब जहाज घूम रो डपे तीनों नगाड़ा वगैरह नहीं बजता जब तक होली का आनंद नहीं लिया जाता। जब ये तीनों चारों साथ मिल जाते ना तो शेखावाटी की जो हवाएं हैं वो कुछ अलग ही दिखाई देती है, जो इसमें क्या है कि आनंद ही आनंद चारों तरफ फैल जाता है। चंग और नंगाड़ों को तैयार करने में कारीगरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ढप और चंग भेड़ और बकरे की खाल से तैयार किए जाते हैं जिनकी खरीद गंगानगर से की जाती है। इसके बाद शुरू होता है डप और चंग बनाने का कार्य। सबसे पहले खाल को धोकर सुखाया जाता है, फिर लकड़ी के फ्रेम पर खाल को चढ़ाया जाता है और फिर उसे आंकड़े के दूध से धोया जाता है। जब ये सूख कर तैयार हो जाता है तो विभिन्न रंगों से इनके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। डब्बा अलग अलग डिजाइन बनावा, जैसे डब्बा बंदर, डब्बा पनिहारी, डब्बे कबूतर बनाते हैं, पनिहारी बनाते हैं, ताऊ रसिया बनाते हैं, सब चीज बनाते हैं। डब मेरी माँ बनावे और मेरी मासी बनावे और मैं अपना कलर को काम करूँ, कलर साइड में अभरी चेपनों वो काम करूँ। ये जो चंग और ढप बजाने का आनंद है ये हमारे बुजुर्गों से हमें सीखने को मिला है
एवं हम इसको बहुत ही आनंद के साथ होली के ऊपर काम में लेते हैं और चंग ढप बजा कर और एकदम मित्रों की तरह प्रेम से ये त्यौहार स्वाद तरीके से मनाते हैं। शेखावाटी में फागोत्सव के रसिये और सामाजिक संस्थाएं होली पर डप और चंग की खास तौर पर खरीदारी करते हैं। आम लोगों की मांग को पूरा करने के लिए झिमकू देवी का परिवार और उसके परिवार से जुड़े 7 सदस्य एक माह तक इन्हें बनाने में जुटे रहते हैं। इन परिवारों के सदस्यों का कहना है कि ये लोग चंग के अलावा ढोलक, नंगारा और नंगारी भी बनाते हैं। 82 वर्षीय झिमकू देवी के अनुसार उनके परिवार के मुखिया उनके दादा ने ये काम शुरू किया था जो आज भी अनवरत जारी है। बनाने में पहले तो मैं ये मतलब बाहर गाँव में देता और अब थोक में देवा लगा, थोक को माल लगा जब मेरे दादाजी देश में विदेशों में भी जावा लगा जी, मतलब थोक में 500 को भी देवा, 450 को भी देवा और जी खुदरा का मैंने 700 को भी बेच दिया, 800 को भी बेच देवा और जटा 1000 को भी बेच दिया। ये थी चुरू से हमारे संवाददाता विजय चौहान की रिपोर्ट। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला ने संस्कृति विभाग कानेसू 1 महीना रा माघ महोत्सव रे तहत 2 दणा रो राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म महोत्सव राखीजो है। काल ई महोत्सव में विनोद मंकररी लिखियोड़ी और निर्देशित संस्कृत फिल्म प्रिय मानसम दिखाएगी। वो फिल्म केरल रा महान लेखक उन्नई वॉरियर रा जीवन चरित्र और 17वीं शताब्दी में उनरा लिखिया नल चरित्रम मत आधारित है। जयपुरा रविंद्र मंच परिसर में ललित कला अकादमी कानिसू 22वां कला मेलो लगायो गयो है। काले माणिज्योड़ा कव्वाल अपनी प्रस्तुतियां सु लोगा ने लुभा लियो। भारत और श्रीलंका रे बीच बेंगलुरु में खेलिया जा रिया क्रिकेट टेस्ट मैच रो आज दूसरो दिन है। इसी पहली काल टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी करता थका भारत 252 रन बनाया। भारत रा श्रेयस अय्यर सबू बेसी 92 रन बनाया। जवाब में श्रीलंकारी टीम पहली पारी में 109 रन बनार आउट वेगी। भारत पहली पारी रा आधार माथे 143 रन री बढ़त बना ली है। भारत दूजी पारी में 3 विकेट माथे 124 रन बनार अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आखिर में खास खास खबर एक कर फेरू। संसद रे बजट सत्र रो दूजो चरण काल सु वेलो शुरू। 8 अप्रैल तई चलन वाला सत्र रे दौरान वेली 19 बैठका। राज्य मंत्रिमंडल री बैठक में विया कई अहम फैसला। रीट परीक्षा री वैधता आजीवनकरण और भू राजस्व अधिनियम री धारा 90A में संशोधन ने दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जयपुर साहित्य उत्सव में लियो हिस्सो। अपना संवाद में कया देश में परिवारवाद री राजनीति अपना आखिरी दौर में। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में अल्बर्ट हॉल सु जयपुर मैराथन रा ड्रीम रन ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। राज्यपाल स्वस्थ तन सु स्वस्थ मन रो करिया आह्वान। बेंगलुरु क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत री पहली पारी रा 252 रन रा जवाब में श्रीलंका री टीम 109 रन बनार आउट। इंद्र साथियों समाचार बुलेटिन पूरा व्यूसा नमस्कार।